खबर भोपाल से है, जहां पुलिस के अफसर को भाजपा नेता बताकर हड़काने का मामला सामने आया है। युवक ने एमपी नगर थाने के टीआई के फोन पर कहा कि मैं सीएम हाउस से नीरज वशिष्ठ बोल रहा हूं, मेरे लड़कों को छोड़ दो। वहीं टीआई ने जब पूछा कि आप अभी कहां हैं, तो वो बोला कि मैं पचपढ़ी में हूँ, कैबिनेट की बैठक चल रही है। पुलिस ने नंबर ट्रेस कर रविवार रात आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पकड़े जाने पर वो गिड़गिड़ाते हुए बोला कि दोनों लड़कों को वो नहीं जानता है। टीआई सुधीर अजारिया ने बताया कि 26 मार्च की रात एमपी नगर जोन में एक रेस्टोरेंट के पास दो युवक खड़े हुए थे। हमने जब उनसे पूछताछ की तो वहां खड़े होने की वजह वो ठीक से नहीं बता पाए। दोनों को ही पुलिस थाने लाया गया। एक युवक ने थाने आकर उन दोनों को छोड़ने के लिए कहा, पुलिस ने उसे वहां से भगा दिया। वहीं दोनों युवकों की पहचान देवराज शर्मा और अंश सोमनाथन के रूप में हुई है, वो वहां खाना खाने के लिए गए थे। वहीं पूछताछ के बाद दोनों को ही जाने दिया गया। इस दौरान अनजान नंबर से फोन आया था, जहां फोन करने वाला बोला कि मैं सीएम हाउस से नीरज वशिष्ठ बोल रहा हूं। टीआई ने बताया कि वो नीरज वशिष्ठ को जानते हैं, इस वजह से थोड़ा संदेह हुआ कि ये नीरज नहीं हो सकता। इसके बाद फोन नंबर की जांच शुरू कर दी। फोन नंबर लकी कुशवाहा के नाम पर आया और इस सिम को लकी ने 17 मार्च को ही लिया था। इसी आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं लकी ने पकड़े जाने के बाद बताया कि वह देशराज और अंश को जानता नहीं है, उसके लिए उसके परिचित ने फोन किया था। उसके कहने पर ही वो पदाधिकारी बनकर सीएम हाउस के नाम पर कॉल किया था।